नमस्कार। एपीएन न्यूज के हिसाब किताब श्रृंखला की आज की कड़ी को लेकर उपस्थित मैं विमल कीर्ति सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। वैसे हम जानते हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है और सत्ता के बदलाव के साथ साथ आम लोगों की ये अपेक्षा होती है कि सभी क्षेत्रों में, आर्थिक, सामाजिक एवं सभी क्षेत्रों में जो सियासी पार्टी सत्ता में आई है, लोगों के एस्पिरेशंस को, लोगों की उम्मीदों पर वो खरा उतरे और वो ये भी अपेक्षा करती है कि जो उनकी उम्मीदें हैं, जिनको उन्होंने चुन के भेजा है सत्ता में, सांसद बनाया है, जिन्हें विधायक बनाया है, वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के साथ साथ एक असरदार कार्रवाई करें ताकि उनके जीवन में जो परिवर्तन हो उसको लाने में वो सहायक सिद्ध हो सके। जब बात हो रही है सत्ता की, जब बात हो रही है सत्ता में परिवर्तन की, जब बात हो रही है आम आदमी के जीवन में सुधार लाने की, तो आज हम सभी बहुत ही खुशनसीब हैं कि हमारे के साथ आज के इस विचार विमर्श में, इस पैनल डिस्कशन में ऐसी हस्तियां मौजूद हैं जो झारखंड के राजनीतिक क्षितिज पर सितारे के रूप में चमकती रही हैं और हमारा विश्वास है कि आने वाले दिनों में भी वो सितारे के रूप में चमकती रहेंगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पहले मैं आप सभी से परिचय करा दूं। हमारे सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जो झारखंड राज्य जब बिहार से अलग होकर बना, तो आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी हैं। हम आपके विचारों को जानने की अपेक्षा रखते हैं। सर, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी। यहाँ पैनल में श्री बाबूलाल मरांडी जी की, अर्जुन मुंडा जी की, अन्य विशिष्ट अतिथियों के परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं। श्री अर्जुन मुंडा जी झारखंड राज्य के एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जहाँ तक मुझे जानकारी है, एक समय में पूरे हिंदुस्तान में ये सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। शायद 37 वर्ष की उम्र में ही मुख्यमंत्री बन गए थे। हम आपके विचारों को भी जानना चाहेंगे और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय श्री सीपी सिंह जी, जो अभी वर्तमान में झारखंड राज्य के नगर विकास एवं परिवहन के मंत्री हैं और श्री सीपी सिंह इसके पहले असेंबली के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और बहुत ही लंबा तजुर्बा है। रांची शहर के लोग, क्योंकि ये विधायक है रांची शहर से, तो अक्सर लोग श्री सीपी सिंह के बारे में कहते हैं कि अपने जो वोटर्स हैं, आधे वोटर्स का ये नाम बिल्कुल जानते हैं, इन्हें याद है उनका नाम, और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और काफ़ी वरिष्ठ मंत्री हैं बीजेपी सरकार के, झारखंड सरकार में। और हम आपके भी विचारों का, आपका क्या विजन है झारखंड के लिए, झारखंड अगले 5 वर्ष में 10 वर्ष में किस ओर जाए ताकि लोगों को अमन चैन से रहने का, विकास की जो ये दौड़ है उसमें हिस्सा लेने का एक मौका मिल सके। सर, आपका भी स्वागत है इस पैनल डिस्कशन में। हमारे साथ कम उम्र में राजनीतिक बहुत तजुर्बा रखे हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं। आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में और आपसे आपका विजन और JMM का विजन जो भविष्य के लिए है वो हम सब जानना चाहेंगे। इसके पहले कि हम लोग इस विचार विमर्श को, इस पैनल डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, एक पैकेज तैयार किया गया है जो 2-3 मिनटों का है। झारखंड को बने तकरीबन 15 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इस राज्य के गठन के पीछे की सोच शायद अब तक पूरी नहीं हो पाई। छोटे छोटे राज्य बनाकर उनके विकास का मकसद झारखंड में सफल नहीं हो पाया। हालांकि राज्य में बीजेपी, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड विकास मोर्चा जैसी कई पार्टियों का असर है, बावजूद इसके स्थिति जस की तस बनी हुई है। झारखंड 15 साल पहले जहाँ था, आज भी वही खड़ा नजर आता है। अस्तित्व में आने के बाद से ही खंडित जनादेश के चलते झारखंड में विकास की यात्रा बाधित रही है। पहली बार ऐसा है जब बीजेपी गठबंधन के नेतृत्व में राज्य को बहुमत की सरकार मिली है। ऐसे में इस बात को लेकर उम्मीद बढ़ गई है कि झारखंड अब विकास के पथ पर दौड़ेगा। झारखंड को जंगलों की भूमि कहा जाता है।
ये धरती वनस्पतियों और जीव जंतुओं से समृद्ध है। झारखंड कुल 30,738 वर्ग मीटर में फैला है। रांची के अलावा औद्योगिक नगरी जमशेदपुर, दुमका, हजारीबाग, धनबाद और बोकारो अन्य प्रमुख शहर हैं। झारखंड के चुनावों में कई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दल हिस्सा लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड भारत का दूसरा सबसे बड़ा खनिज संपदा वाला राज्य है। पर्यटन उद्योग भी राज्य की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान दे सकता है, लेकिन वर्तमान स्थिति का आकलन करें तो स्थितियां एकदम उलट हैं। इसके लिए किसी एक को दोष देना मुनासिब नहीं, क्योंकि यहां की जनता ने लगभग सभी को नेतृत्व करने का मौका दिया है। झारखंड पूर्व में बंगाल से, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ से, उत्तर में बिहार से और दक्षिण में ओडिशा से घिरा है। लेकिन अगर बात सियासत की करें तो झारखंड की राजनीति हमेशा से इन राज्यों के मुकाबले काफी जटिल और उठापटक भरी रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। वैसे तो मुद्दे बहुत हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा अहम मुद्दे हैं, जो लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, वो है बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, रोजगार से जुड़ा हुआ है औद्योगिकरण। तो इन सब मामलों पर जो हम लोगों ने यात्रा की, तो बिना दोषारोपण के कि किसके रेजिम में क्या हुआ और पार्टी लाइन पर इसको न ले जाते हुए, हम लोग चाहते हैं कि अगर क्या हम लोग उस तेजी से इस रास्ते को तय कर पाए हैं कि नहीं, नंबर एक। क्या इस रास्ते को तय करने में हमें कुछ सबक मिला है, नंबर दो। ताकि जो अगला 15 वर्ष हो उसमें हम लोग और तेजी से और एकजुट होकर सही रास्ते पर चल सकें, इसकी भी चर्चा हो। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि श्री बाबूलाल मरांडी, जो झारखंड सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके विचारों को इन मुद्दों पर जाएं। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि विकास तो एक प्रक्रिया है और सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन उस प्रक्रिया में जब हम चलते हैं, जब योजनाएं हम बनाते हैं, उसका अंतिम लक्ष्य हमारा ये होना चाहिए कि हर हमेशा कि भाई यहाँ के लोगों को उसका लाभ हो, कितना मिल पा रहा है यार, जिसके लिए हम योजना बना रहे हैं उनके यहाँ तक कितना पहुँच पा रहा है। अगर हम इसके ठीक प्रकार से हम आकलन करें और फिर हम योजना का कार्यरूप हम दें, और उसमें से मैं एक बात और कहा करता हूँ, सरकार जब बैठती है अपने सचिवालय में या मंत्रालय में जी, तो समीक्षा करती है, तो वो एक पार्ट होता है। तो समीक्षा में सामान्यतया होता है कि भाई हमने बजट में जो प्रावधान किया था अभी तक कितना खर्च हुआ, और सामान्य तौर पर इसी को फिर हम मान लेते हैं कि विकास, या बार बार देखते होंगे कि मार्च के महीने में आता है और जब समाप्त होता है तो सरकार कहती है कि भाई इतना प्रतिशत खर्च हुआ, लेकिन वास्तव में जो खर्च कहाँ हुआ या जो हमने खर्च किया उसका सही रूप से वहाँ तक पहुँचा है कि नहीं, मुझे लगता है कि इसकी जितनी मॉनिटरिंग होनी चाहिए उसकी कमी दिखाई पड़ता है। और उसका एक वजह जो हमें शुरू से समझ में आता है कि हमारे जो खास करके जैसे नेता हैं या अफसर्स हैं, ये मिलकर के तो ये दो ही लोग सरकार चलाते हैं, तो दोनों ओर से कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। फिर उसको हम दोनों ओर से कमी, यानी हमारे जो अफसर्स हैं वो नीचे की ओर नहीं जाते हैं जी, नेता भी जब सत्ता में बैठने के बाद जितनी उनकी धरती से जुड़ाव होना चाहिए, तो हमें लगता है कि ये जो विकास की जितनी भी योजनाएं हैं उस पर अगर हम ठीक प्रकार से मॉनिटरिंग हो, और मॉनिटरिंग मतलब सिर्फ ऑफिस में ही नहीं कि हम उसको जमीन पर भी जा करके देखें, फील्ड में भी मॉनिटरिंग हो। तो बंद कमरे की समीक्षा में जो बाबूलाल मरांडी जी कह रहे थे कि बंद कमरे की समीक्षा में योजना की गुणवत्ता, उसकी डिलीवरी की क्वालिटी, ये सब नहीं पता चल पाती है। और इसके साथ ही हम मुखातिब हो रहे हैं श्री अर्जुन मुंडा जी की तरफ, जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर एक विहंगम दृष्टि से हम देखें कि 15 वर्षों में हम लोगों ने जो यात्रा की, दूर से देख रहे हैं कि उस यात्रा में क्या क्या रुकावटें आईं, कहीं हमारे पीठ पर बहुत सारा बोझ तो नहीं था जिस कारण हम यात्रा में तेजी से नहीं चल पा रहे थे,
देखिए विमल जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और ये बहुत ज़रूरी है कि इस बात की पूरी समझ हम सबके बीच में हो कि राज्य सृजन के समय से लेकर के जी बहुत कम अवसर मिला, जब कम अवसर क्या, पहली बार इस बार बहुमत की सरकार हमें देखने को मिल रही है। इसके पहले कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप ये कहिए बहुमत तो थी पर सामूहिक रूप से कार्य करने का दायित्व को लेकर के जो आउटकम आना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, वैसी परिस्थिति का निर्माण नहीं हो पाया, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में काम कैसे आगे बढ़े, ये राजनीतिक कार्य क्षेत्र में कार्य करते समय लोगों की भी अपेक्षा रहती है और जनप्रतिनिधियों का भी दायित्व होता है कि उन परिस्थितियों को समझते हुए चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाएं। जी, और राज्य जब बना उस समय से लेकर के अभी तक यदि 15 वर्षों का कालखंड देखें तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हम आगे नहीं बढ़े, लेकिन कहाँ तक आगे बढ़ना था इसका भी आकलन हमारे बीच में नहीं था। क्योंकि ये जैसे मैं इस बात से सहमत हूँ बाबूलाल जी ने कहा कि विकास की प्रक्रिया सतत चलते रहती है, ये इच्छा से भी जुड़ी रहती है, ऐसा नहीं है कि क्योंकि कुल मिलाकर के हम काम या हमारी व्यवस्था किसके लिए उत्तरदायी है, जनता के लिए, और जनता की अपेक्षा ऐसा नहीं है कि सीमित है, वो भी अपेक्षा समय के साथ वृद्धि होते जाती है, समय के साथ बढ़ती चली जाती है। हम आधारभूत संरचना दीर्घकालिक रूप से देख रहे हैं या तत्कालिक रूप से देख रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी कहाँ आ रही है, क्योंकि हर चीज़ के पीछे एक व्यक्ति, एक परिवार, एक समाज या एक राज्य, यह सारा जुड़ा हुआ। तो जैसे यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम बिल्कुल नहीं था अविभाजित बिहार के समय से, और बहुत मुश्किल से अभी हम समझते हैं कि 5 वर्षों से वो खड़ा हुआ है, पंचायत के चुनाव हुए, जिला परिषद के चुनाव हुए, इसके साथ साथ ही नगर परिषद के चुनाव हुए, तो यह सारी चीज़ें अब धीरे धीरे स्थान प्राप्त कर रही है। लेकिन उसमें जब नई चीज़ें कई अंतराल में प्रारंभ होती है तो उसके अपने समस्या एक अलग होती है, तो यह समस्या रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर के जो मानव विकास सूचकांक के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट मॉडल है वो क्या है। इन्वेस्टमेंट मॉडल अर्जुन मुंडा जी, दोबारा हम अर्जुन मुंडा जी अल्पभाषी हैं, मृदुभाषी हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इशारा किया कि जब जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में सरकार चलती है तो सरकार तो बहुमत में रहती है, लेकिन बहुमत में रहते हुए भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स डीप रूटेड नहीं थे, पंचायत के चुनाव नहीं हुए थे, अदर लोकल बॉडीज़ के चुनाव नहीं हुए थे, तो धीरे धीरे एक जैसे नया राज्य बनता है तो उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, उसमें ताकत आती है, तो वो सब प्रक्रिया हो रही है और अब आगे विकास की गति और अच्छे तेज़ी से होनी चाहिए। अब हम चलते हैं सीपी सिंह साहब के पास और सीपी सिंह साहब से अनुरोध है कि वो बताएं, उन्होंने दोनों देखा है, पहले भी देखा है और आज के दिन भी, इस पूरे पैनल में आप ही हैं जो आज के दिन में भी सरकार के हिस्सा हैं और हिस्सा ही नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण पद पर आप आसीन हैं, तो पहले के मुताबिक आज के दिन में जो स्थायी सरकार है, आपकी पूर्ण बहुमत, पार्टी की बहुमत है, तो उसमें आप कोई अंतर देख रहे हैं कि अब और तेज़ी से काम होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, और तेज़ी से काम हो सकता है, काम हो रहा है, पुराने समय में जब पूर्ण बहुमत नहीं रहता था, ये सब इस दृष्टिकोण से सब जानना चाहते हैं क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं हैं, वो देख रहे हैं कि अब स्थायी सरकार बना है, बहुमत की सरकार बनी है, शायद हमारे जो एस्पिरेशंस हैं, हमारे जो सपने थे, जो हम चाहते थे, शायद अब वो पूरा। हमारे जो पूर्व माननीय मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी और अर्जुन मुंडा जी हैं, इनसे हो सकता है कि मैं थोड़ा भिन्न राय रखूं जी, और स्वाभाविक भी है, अपने अपने स्वभाव होते हैं। जब मैं
ये देखता हूँ कि लोकतांत्रिक हमारा देश है और इसके अंदर देश के अंदर प्रधानमंत्री से लेकर और राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं, तो हम बार बार इसकी चर्चा करते हैं कि हमारे यहाँ विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है जी। तो मैं न्यायपालिका की थोड़ी देर के लिए चर्चा नहीं करता हूँ, यहाँ पर करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब विधायिका होती है और कार्यपालिका होती है, हम योजनाएं तो बहुत बनाते हैं चाहे कोई सरकार हो, लेकिन वे योजनाएं धरातल पर कैसे उतरे इसकी चिंता हम नहीं करते हैं। और बहुत बार हमें देखने को यह मिलता है कि वोट बैंक के लिए, वोट के लिए बहुत सी योजनाएं हम बनाते हैं। जैसे आप एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, यह बिना विचार किए हुए अब एक लाल कार्ड की हम परिपाटी बनाए कि लाल कार्ड जी, जिसे सस्ते दाम पर अनाज मिलता है। अब इससे सस्ते दर पर अनाज मिलेगा और भी कई तरह की सुविधाएं हैं इसके अंदर, स्वास्थ्य से लेकर सारी चीजें। अब आज हर लोग ये परेशान है कि मेरा लाल कार्ड कैसे बन जाए। अब विमल कृति सिंह भी चाहते हैं कि मेरा भी लाल कार्ड बन जाए, लाल कार्ड के कतार में खड़े। अब परेशानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या है इसको बताता हूँ। गांव के मुखिया जी से आप पूछिए कि भैया वो गरीब आदमी छूट गया, अमीर आदमी का बन गया, बोला हम क्या करें, हम तो बोल नहीं पाएंगे। वार्ड पार्षद से पूछिए तो वो भी यही बात कहता है, यानी सबको अपने अपने वोट की चिंता है। अब मैं दूसरे पहलू पर आता हूँ, चाहे सरकार मिलीजुली सरकार हो चाहे बहुमत की सरकार हो, कानून तो एक होता है जी। अब हमारी कार्यपालिका की व्यवस्था ऐसी है कि कार्यपालिका में आ भी रहे हैं जी। अब कार्यपालिका के साथ सबसे बड़ा ये है कि कार्यपालिका का कोई बाल बांका नहीं होता है, रेयन एंड रेयरेस्ट कुछ होता होगा तो मुझे पता नहीं। जो भी सरकार में सत्ता में जो होते हैं वो कार्यपालिका के बचाव की मुद्रा में नजर आते हैं, और जो विपक्ष में होते हैं वो हमेशा उसके विपक्ष में होते हैं, हमला बोलते हैं। और वही विपक्ष वाले जब सत्ता में आ जाते हैं फिर वो उसके बचाव के मुद्रा में होते हैं। सबसे बड़ा चीज ये है कि जब हम लोगों की अपेक्षाओं और भावनाओं के अनुरूप जब काम नहीं करते हैं तो स्वाभाविक रूप से समस्याएं बढ़ती जाती हैं। मेरी छोटी सी सोच यह है कि यदि ब्लॉक स्तर पर यदि काम हो जाए तो उसे रांची आने की क्यों जरूरत है जी। यदि थाना में FIR लिख लिया जाए और इन्वेस्टिगेशन हो तो फिर उसको मंत्री के पास, विधायक के पास आने की क्यों जरूरत पड़े। मेरा सिर्फ यह कहना है कि मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। आप सेवा का अधिकार के तहत कई चीज़ों को लाते हैं, चाहे पुरानी सरकार लाई हो, अभी की सरकार लाए या आने वाली कोई सरकार लाए, मैं उसकी बात नहीं करता हूँ। सवाल यह है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता हो आप उसके ऊपर कौन सी कार्रवाई करते हैं, और जब कार्रवाई नहीं होगी तो उसे लगता है कि मैं आज यहाँ हूँ बहुत करेंगे तो मेरा ट्रांसफ़र वहाँ से वहाँ हो जाएगा। तो जिसका चरित्र न करने वाला काम का हो, अड़ंगा डालने वाला हो, बिना रिश्वत के नहीं काम करने वाला हो, तो जहाँ भी जाएगा वो इसी प्रकार का काम करेगा। तो फिर आप योजनाएँ बनाते रहें, आप बजट की राशि खर्च करते रहें, लेकिन धरातल पर योजनाएं नहीं बनती है। अब इसमें मुझे जो कहना है उसको समझ गया। मेरा ये कहना है कि चाहे वो मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, इस सब पर सुनिश्चित होनी चाहिए जी। कि आप, मेरा ये सोचना है, जैसे कहते हैं ना कि करप्शन स्टार्टेड फ्रॉम टॉप नॉट टू बॉटम, उसी प्रकार मेरा ये कहना है कि जब फाइल सिस्टम है उसमें थोड़ी
फाइल ट्रैकर की व्यवस्था करनी चाहिए कि मुख्यमंत्री के यहाँ फाइल कितने दिन रहेगा, मंत्री के यहाँ फाइल कितने दिन रहेगा, चीफ सेक्रेटरी के यहाँ फाइल कितने दिन रहेगा, सेक्रेटरी के यहाँ फाइल कितना दिन रहेगा। नहीं तो होता है कि महीनों फाइल दब जाया करते हैं, जिसके कारण भी प्रॉब्लम्स होते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी जब तक तय नहीं होगा, तो फिर हम इसी प्रकार के चर्चा में भाग लेते रहेंगे, समाधान की दिशा में हम अग्रसर नहीं होते हैं। अब रही बात कि पुरानी सरकार, बहुत लोग कहते हैं कि उस सरकार में कुछ नहीं हुआ, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। मेरे जैसा व्यक्ति नहीं मानता है, ये मानता जरूर है कि जितना होना चाहिए था नहीं हुआ। अब आज के दौर में जो हो रहा है उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। आज वर्तमान सरकार में ये जरूर हो रही है कि ये निर्णय ये सरकार कर रही है, जो मैं साक्षात देखता हूँ। पहले मंत्रिमंडल में मैं नहीं रहा, इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन आज मंत्रिमंडल में हूँ और कोई बातें ऐसी आती है जब बोलता हूँ तो क्विक एक्शन होता है कि नहीं इसको कल करना है, इसको परसों तक कर देना है। पहले ऐसा होता था कि नहीं होता था मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आज के दिन निर्णय हो रहा है इसी कारण से। सर हम लौटेंगे क्योंकि सब लोग जानना चाहेंगे कि आज के दिन में जो तेजी से निर्णय हो रहे हैं सरकार में, तो किन किन विषयों पर क्या क्या निर्णय हुए हैं और उन निर्णयों का फल लोगों को देखने के लिए कब मिलेगा। ये बड़ी खुशी की बात है, सब चाहते हैं कि विकास हो, इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप जैसा आपने कहा कि ये मकसद ना है, नहीं है। इस कार्यक्रम का भी ये मकसद नहीं है कि हम लोग मीन मेक करें और पता करें और एक दूसरे पर दोषारोपण करें, लेकिन आपने कहा ये जानकर खुशी है। हम लोग फिर लौटेंगे आपके पास। हमारे बीच उपस्थित हैं JMM के बहुत ही वरिष्ठ और महासचिव सुप्रियो जी, आपसे जानना चाहते हैं। JMM भी सरकार में रही है, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके पहले भी शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री रहे हैं, कभी कभी साझा सरकार में भी आपके पार्टी के बहुत सारे मंत्री रहे हैं, तो आपकी पार्टी ने क्या अनुभव किया है पूर्व में, अब जो स्थायी सरकार है उस समय में जो कार्य हो रहा है उसमें आप क्या देख रहे हैं, और विशेषकर हम जानना चाहेंगे कि अगले जो 15 साल का जो तजुर्बा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, और आगे का कौन सा रास्ता आप अख्तियार करना चाहते हैं जिससे कि लोगों को राहत मिले, लोक हित में काम तेजी से। हिसाब किताब, ये बहुत बड़ा एक शब्द, उसके लिए आपको, आपकी टीम को, आपकी जो भी एडिटोरियल टीम है उसको धन्यवाद देते। अर्जुन दा, बाबूलाल दा, सिपिदा है यहाँ पर और आप भी यही थे उस तरह जब ये राज अलग हुआ था। हम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस बात को कि ये बिहार को बांटकर एक राज्य का टुकड़ा हुआ था क्या? नहीं, इसके पीछे का जो मूल चीजें थी, जो बुनियादी तत्व थे जी, वो था यहाँ के लोगों का पहचान, यहाँ के लोगों का सम्मान जी, यहाँ के लोगों का अधिकार। ये तीन मूल तत्व थे जिसके लिए राज्य का संघर्ष चला, सैकड़ों शहादत हुए, कई त्याग हुए और संघर्ष में कहीं ना कहीं हम लोग सबको ही रहे जी। उसके बाद इस राज्य का गठन, देखिए कोई भी संरचना का निर्माण उसके बुनियाद को झूठलाए कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो बुनियाद ही उसकी आगामी रूपरेखा तैयार की। तो जब इस राज्य का गठन हुआ तो जो लोगों का एस्पिरेशन था, जो आकांक्षाएं थी, वो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग सबके द्वारा उसको नजरअंदाज किया गया, और एक मात्र प्रशासनिक दृष्टिकोण से राज्य को विकास का नया एक पैमाना तय हम लोग गढ़ने का काम किया। और हमको लगता है कि आज जो सवाल बार बार उठ के आता है विभिन्न क्षेत्रों में, एक तो कंपैरिजन होता है कि छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के साथ जी, दूसरा होता है कि हम, मेरा विकास संपूर्ण हुआ है क्या, तो उस विकास का पैरामीटर क्या है। देखिए विकास और ये जो अनुभव नहीं होता है
कि विकास हुआ क्या, बार बार जो अपने आप में एक सवाल उठता है, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं अपना वाइब्रेशन को लूज किए। जब तक वाइब्रेशन नहीं आएगा, कि वाइब्रेशन केवल आदमी उसी समय आता है जब वो उस प्रोसेस के साथ जुड़ता है, और ये वाइब्रेशन का जो लैकिंग है, जो लैक ऑफ वाइब्रेशन है, यही संदेह का घेरा पैदा करता है कि हमारा समुचित विकास हुआ कि नहीं, या अपेक्षित विकास हुआ कि नहीं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है आज के दिन, कि आप देखिएगा कि हम अकेले ऐसा यूनिक एक राज्य है जो शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड में बटे हुए एकदम आधार। यहाँ का 12 डिस्ट्रिक्ट जो है वो शेड्यूल्ड एरिया में है, और 12 डिस्ट्रिक्ट नॉन शेड्यूल्ड जी। हम जब भी एक जब मुंडादा चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उस समय इस बात को वो बार बार कहते थे, हम लोग भी एक पार्ट थे जी, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस शब्द का काफी प्रयोग किया हुआ, और यही सबसे बड़ा विडंबना रहा है हम लोगों का, कि हम लोगों ने उस पर काम ही नहीं किया, और काम नहीं करके केवल कुछ सड़कें बनी, हर कार्यालय के नए नए भवन बने, कुछ आधारभूत क्रीड़ा के क्षेत्र में कुछ काम भी हुआ, लेकिन अल्टीमेटली जो बुनियादी जो लड़ाई का हिस्सा था कि हमारा पहचान, हमारा सम्मान, हमारा अधिकार, वही गुम हो गया। बहुत ही अनुभवी पैनलिस्ट हैं हमारे साथ, और उनके विचारों का लाभ हमें मिल रहा है। अभी तक आपने सुना कि पिछले 15 सालों में क्या क्या बाधाओं को हम लोगों को पार करना पड़ा, क्या बैगेजेस थे हमारे ऊपर, क्या बोझ था, अस्थाई सरकार नहीं थी, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो नहीं थे, कुछ ब्यूरोक्रेसी की भी चर्चा हुई, तो बहुत सारी बातों को आपको रखा गया कि पिछले 15 साल में हम लोगों ने क्या अनुभव से देखा, क्या कठिनाइयाँ थी। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो भविष्य की बात करेंगे कि अगले 15 बरस या अगले 50 बरस झारखंड किस दिशा में जाएगा।